हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीएससी गेट हब। आज हम जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कुछ बेसिक फाइनाइट ऑटोमेटास बनाना कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस के लिए। अब वो क्या है, आज हम जो फर्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे वो है एप्सिलॉन एनएफए के लिए, कि हम एप्सिलॉन एनएफए कैसे बनाएंगे। तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ हम ले लेते हैं। मैंने ऑलरेडी ये दो जो मेज़र हैं जिनमें कन्फ्यूज़न होता है वो क्या है कि एक फाय और एक एप्सिलॉन के केस में क्या है। अब फाय के केस में क्या होता है, फाय मीन्स वॉट, नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं है। एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन एनएफए के केस में एक वैलिड इनपुट है, एप्सिलॉन एज एन इनपुट कंसीडर किया जाता है जब हम एप्सिलॉन एनएफए की बात करें। लेकिन फाय मीन्स व्हाट, नथिंग, एम्प्टी है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में कोई एज नहीं देंगे। और ये बेसिकली किस चीज़ के लिए, हमारी एम्प्टी लैंग्वेज शो करने के लिए। जब हमने DFA की एक्सेप्टेंस पढ़ी थी DFA वाली वीडियो में, जब हमने DFAs कंस्ट्रक्ट किए थे, तो मैंने आपको वहाँ DFA की एक्सेप्टेंस बताई थी। तो मैंने क्या कहा था उसमें कि अगर किसी रीज़न से, फर्स्ट थिंग कि अगर कोई फाइनल स्टेट नहीं है तो भी वो क्या कर रहा है, एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। और अगर किसी रीज़न से हम उस फाइनल स्टेट तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो भी वो DFA क्या करता था, एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता था। तो यहाँ कोई एज नहीं है तो डेफिनेटली हम फाइनल स्टेट तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इस केस में वो क्या, हम एम्प्टीनेस को शो करते हैं। तो फाय के केस में कोई एज नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट एप्सिलॉन। तो ऑब्वियसली एप्सिलॉन एनएफए के केस में एप्सिलॉन एक वैलिड इनपुट होता है, तो एक एज होगी और जिसके थ्रू हम का फाइनल स्टेट पर पहुंच रहे हैं, और उस एज का जो इनपुट होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। वही अगर हम नॉर्मली सिर्फ ए इनपुट देने पे, ये बेसिकली वो है कि हम किस किस से फाइनल स्टेट पर पहुंच रहे हैं। फाय देने से फाइनल स्टेट पर नहीं पहुँचेंगे क्योंकि कोई एज नहीं होती है। फाय मीन्स वॉट, एम्प्टी, नथिंग। एप्सिलॉन वैलिड होता है एप्सिलॉन एनएफए के केस में, तो एप्सिलॉन के लिए एज। सिर्फ ए देने पर अगर हम फाइनल पर पहुँच रहे हैं तो उसके कुछ डायग्राम इस तरह से होगा, मतलब हमारा इनपुट क्या है, ए है। ए देने से भी हम कहाँ, फाइनल स्टेट पर पहुँच रहे हैं। अगर ए डॉट बी आ जाता है तो हम एप्सिलॉन एनएफए कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम उनकी कनेक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, एप्सिलॉन का यूज़ करेंगे। पहले मैं क्या करूँगी, ए डॉट बी मीन्स वॉट, ए फॉलोड बाय बी। प्रीवियस एक्सप्रेशंस की जो हमने बेसिक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ए प्लस बी और ए डॉट बी को क्लियर किया था। ए डॉट बी मीन्स वॉट, ए फॉलोड बाय बी। या फिर मैं ये बोलूँ तो यहाँ क्या है, ए डॉट बी क्या हो रहा है, कॉन्केटिनेशन को शो कर रहा है। अगर मैं नॉर्मल टर्म में बात करूँ तो ये जो हमारा है वो क्या है, कॉन्केटिनेशन है। बेसिकली आप अगर एक्सप्रेशंस के टर्म में बात करूँ तो ए डॉट बी का मतलब होता है ए फॉलोड बाय बी। ओके, तो ए के लिए मैं डायग्राम बनाऊँगी, बट सिर्फ ए से मैं फाइनल पे नहीं पहुंच रही हूँ, ए फॉलोड बाय बी होगा तो मैं फाइनल पे पहुंचूंगी। तो सिर्फ ए के लिए मेरा नॉर्मल डायग्राम क्या है, कि मैं ए के बाद फाइनल पे तो नहीं पहुंच रही। सिमिलरली बी जैसे ही आएगा मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच जाऊंगी। और एप्सिलॉन एनएफए की बात कर रहे हैं तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एप्सिलॉन एच का यूज़ करेंगे। ए का डायग्राम बनाना है, बी का डायग्राम बनाना है, और उन दोनों को कनेक्ट किससे करना है, एप्सिलॉन से। जब हम एप्सिलॉन एनएफए ड्रॉ कर रहे हैं ओनली इन दैट केस, सिर्फ उसी केस में आपको एप्सिलॉन बनाना है। अगर आप बेसिक एनएफए बना रहे हो तो वहाँ एप्सिलॉन नहीं देना है। हम बेसिक एनएफएस भी बनाएंगे कि कैसे करना है, पर वहाँ एप्सिलॉन मूव नहीं आएगा। तो वहाँ ए के बाद डायरेक्टली बी आएगा और बी से आप फाइनल स्टेट पर पहुँचोगे। ठीक है, नेक्स्ट है ए प्लस बी। ए प्लस बी मीन्स वॉट, आइदर ए और बी, यानी कि या तो मैं सिर्फ ए देने से पहुँच रही हूँ या सिर्फ बी देने से पहुँच रही हूँ। और एप्सिलॉन एनएफए बना रहे हैं तो सबसे पहले हम ए का ड्रॉ करेंगे, बी का ड्रॉ करेंगे, देन उनको एप्सिलॉन मूव के थ्रू आपस में कनेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली अगर मैं इसको बोलूँ, जैसे हमने इसको कॉन्केटेनेशन में, तो ये कुछ यूनियन को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आइदर ए और बी, मतलब या तो सिर्फ ए देने से मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच रही हूँ या सिर्फ बी देने पे मैं कहाँ, फाइनल स्टेट पे पहुंच रही हूँ। तो मैंने एक तो बना लिया ए का और एक बना लिया बी का। अब इन दोनों को मुझे एप्सिलॉन के थ्रू कनेक्ट करना है। अभी मुझे ये नहीं पता कि इनिशियल स्टेट कौन सी बनेगी, क्यों, क्योंकि मैं ए से भी पहुंच सकती हूँ, बी से भी पहुंच सकती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको यूजिंग एप्सिलॉन मूव एक इनिशियल स्टेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनिशियली पहले ए अकर हो रहा है या बी अकर हो रहा है। और मैंने आपको कहा था जब हम एप्सिलॉन एनएफएस ड्रॉ करते हैं तो हमें कोई वरी नहीं करना कि किससे स्टार्ट हो रहा है क्या हो रहा है, जस्ट प्लेस एन एप्सिलॉन मूव और हमारा वहाँ से कनेक्शन हो जाता है। तो जब आपको इस तरह से यूनियन करना हो तो ये हमारा इनिशियल स्टेट, हमें नहीं पता था कौन सी बनेगी, तो हमने एक डिफरेंट इनिशियल स्टेट ली, उसको फर्दर इनसे एप्सिलॉन मूव के थ्रू कनेक्ट कर दिया। एप्सिलॉन मीन व्हाट, कुछ नहीं देने पे भी हम यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ से भी कुछ नहीं देने पे हम यहाँ पे भी पहुँच जाएंगे। तो बेसिकली ये चीज़ हमें आगे फर्दर मिल जाएगी।
अब ए के बाद हम फाइनल पे पहुंच रहे हैं या बी के बाद फाइनल पहुंच रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता। इट मीन्स हमारी जो फाइनल स्टेट भी होगी वो भी यूजिंग एप्सिलॉन मूव कनेक्ट होगी। अब आपको नॉर्मली जब आपने एप्सिलॉन एनएफए की अगर वीडियो देखी हो, नहीं देखी है तो आप वहाँ से मेरी चैनल में जाके वहाँ से एप्सिलॉन एनएफए के कंस्ट्रक्शन की वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने ये चीज़ क्लियरली बताई है। अगर आपको इस तरह से कुछ मिलता है तो ये किसके इक्वल है, ए के लिए। सिमिलरली यहाँ से आपको ये मिला तो भी वो किसके इक्वल है, बी के। तो यहाँ क्या मिला, एप्सिलॉन डॉट ए डॉट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डॉट बी डॉट एप्सिलॉन। तो ये इनडायरेक्टली क्या ए के इक्वल है, ये इनडायरेक्टली क्या है, बी के इक्वल है। बट हम एप्सिलॉन एन एफ ए बना रहे थे तो ऑब्वियसली हमें इनिशियल और फाइनल नहीं पता, तो हम एप्सिलॉन मूव के थ्रू से कनेक्ट कर देंगे। ओके नेक्स्ट है हमारा ए स्टार। ए स्टार जस्ट प्रीवियस एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया था, ए स्टार इज वॉट, क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर इसका मतलब क्या है, एक एप्सिलॉन तो कंपल्सरी है, देन उसके बाद ए डबल ए ट्रिपल ए अप टू सो ऑन कितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन वन एप्सिलॉन आएगा ही आएगा। मतलब बिना कुछ दिए भी आप किस पे, फाइनल स्टेट पे भी पहुंच रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं नॉर्मल बिना कुछ दिए फाइनल स्टेट के लिए एक ट्रांजिशन बना देती हूँ। मतलब बिना कुछ दिए इट मीन्स वॉट, एप्सिलॉन के थ्रू भी मैं यहाँ पहुँच रही हूँ। एप्सिलॉन मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग हमारी क्या है, अगर मैं पॉसिबल स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करूँ तो क्या है एप्सिलॉन, तो सिर्फ एप्सिलॉन देने पे मैं पहुँच गई। अब एक अगर सिंगल ए आ जाता है, सिंगल ए के बाद एनी नंबर ऑफ एज आए वो तो रूप में हम दे देंगे तो वो बन जाएगा। तो यहाँ मैं बेसिक क्या करूँगी, एक सिर्फ ए का, जैसे हमने इसमें ए और बी का बनाया वैसे ही मैं यहाँ क्या करूँगी, एक ए के लिए ट्रांजिशन बना लूँगी। और उसको फिर मुझे क्या करना है, जस्ट कनेक्ट ही तो करना है इनिशियल स्टेट से यूजिंग एप्सिलॉन मूव, और फाइनल स्टेट से भी यूजिंग एप्सिलॉन मूव कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ आप अगर नोटिस करें तो क्या ये हमारा कंप्लीट बन चुका है, नहीं बना। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन तो हमें एक मिल गया, उसके बाद यहाँ से हम आते हैं तो हमें क्या मिला, एप्सिलॉन डॉट ए डॉट एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू वॉट, सिंगल ए। तो यहाँ से हमें सिंगल ए मिला, बट क्या हमारा ए रिपीट हो रहा है, हमें तो इसके अकॉर्डिंग रिपीटेशन भी मिलनी थी ना हमारे एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, इधर आप यहाँ सेल्फ लूप दो, लेकिन हम क्या एप्सिलॉन एन एफ ए बना रहे हैं तो क्यों हम इतने टेंशन ले, हम डायरेक्टली एप्सिलॉन का यूज़ करके कहीं इसको रिवर्स भेज देते हैं ना। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इसे अगेन रिवर्स भेज देती हूँ यहाँ पे एप्सिलॉन का मूव देके। तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से अगेन रिवर्स आऊँगी, सेकेंड ए मिल जाएगा, देन रिवर्स आऊँगी थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, अप टू सो ऑन, जितने भी नंबर ऑफ एज अकर होंगे वो सब हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके नेक्स्ट ये हो गया क्लीन क्लोजर का। अगर मैं पॉजिटिव क्लोजर के लिए बनाऊँ तो पॉजिटिव क्लोजर के केस में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वहाँ देखना है। पॉजिटिव क्लोजर में क्या होता है, एटलीस्ट वन टाइम तो ए अकर होगा ही होगा। इट मीन्स सिंगल एप्सिलॉन जो आपको मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान दें तो आपका ये जो डायग्राम बना है ना, इसमें ये जो एक मूव है सिर्फ हमें सिंगल एप्सिलॉन ही तो हटाना है, बाकी तो वैलिड ही है। यहाँ से ये हमें एटलीस्ट वन ए तो मिल ही रहा था, यहाँ से ये सिर्फ एक ट्रांजिशन ऐसी थी जिससे हमें क्या मिल रहा था, डायरेक्टली एप्सिलॉन मिल रहा है। तो ए का क्लोजर अगर हम बनाएं, पॉजिटिव क्लोजर अगर हम बनाएंगे, तो पॉजिटिव क्लोजर में क्या होगा, जस्ट एक सिंगल जो हमारी एप्सिलॉन के थ्रू मूव था वो हट जाएगा। ए कंपल्सरी है तो पहले ए का डायग्राम बनाएंगे। मैंने आपको इसीलिए स्टेप बाय स्टेप पहले ए बताया, फिर बी बताया, देन ए डॉट बी, ए प्लस बी बताया। क्यों, क्योंकि जब एप्सिलॉन एन एफ ए आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, तो एप्सिलॉन में क्या है, आपको सिर्फ बेसिक के अकॉर्डिंग बनाना है, सिर्फ ए के लिए बनाना है। देन उनको कनेक्ट किससे करना है, यूजिंग एप्सिलॉन इनिशियल और फाइनल स्टेट से करना है। तो इनिशियल स्टेट से मैंने कनेक्ट कर दिया यूजिंग एप्सिलॉन, फाइनल स्टेट से भी मैंने कनेक्ट कर दिया यूजिंग एप्सिलॉन मूव। और उसके रिपीटेशन के लिए जैसे हमने प्रीवियस में दिया था वैसे यहाँ दे देंगे। यहाँ चेंज क्या आया, सिर्फ जो इनिशियल से फाइनल स्टेट पे आप विदाउट एनी इनपुट के यानी यूजिंग एप्सिलॉन भी पहुँच रहे थे, अब यहाँ पे आप यूजिंग एप्सिलॉन नहीं पहुँच रहे हो। तो ये डिफरेंस आ जाएगा आपका नॉर्मली क्लीन क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर में। अब हमने ये कुछ बेसिक डायग्राम्स देख लिए, अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे डिटेल में बताऊंगी ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए कि वो हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ओके तो लेट मी टेक अ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन एप्सिलॉन एन एफ ए फोर फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन आर ई शॉर्ट में। ओके मैं एक एग्जाम्पल के लिए कोई एक्सप्रेशन ले लेती हूँ, लेट से ए सी प्लस बी, देन ए स्टार और ले लेते हैं, ताकि हमारे पास जो हमने अभी तक पॉसिबिलिटीज़ देखी है ना, यहाँ से ए डॉट बी भी आ जाएगा, देन ए सी मतलब सॉरी ए डॉट सी आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, ये देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए डॉट सी मिलेगा। तो ए डॉट सी वाला डायग्राम आ जाएगा, सिर्फ बी मिल जाएगा, देन इन दोनों के बीच में प्लस बी करना है, देन उसको
ए स्टार के साथ भी फॉलो कराना है, तो हमारे पास यहाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, इसलिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बने। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या चाहिए, ए डॉट सी चाहिए, तो मैं पहले क्या बनाऊँगी, सिर्फ ए के लिए और सिर्फ सी के लिए बनाती हूँ। तो ए के लिए मेरा डायग्राम हमने अभी जस्ट किया था, ये हमारा ए के लिए डायग्राम है। अभी हम इसको फाइनल भेजेंगे, लेकिन जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये फाइनल चेंज होंगी। नेक्स्ट सी के लिए भी ऑब्वियसली ए की जगह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी इट्स सी नॉट एप्सिलॉन। ओके, सी से हम कहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ ये हो गया ए और सी के लिए। सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, ए डॉट सी का हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, ए डॉट सी का बनाएंगे। ए डॉट सी जैसे हमने जस्ट अभी ए डॉट बी का बनाया था, इन दोनों को कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के लिए इनके बीच में क्या करना है, एक एप्सिलॉन मूव पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ए के लिए बन गया। ए डॉट सी मीन्स वॉट, ए फॉलोड बाय सी, इट मीन्स सिर्फ ए से तो आप फाइनल पे नहीं पहुंचोगे। देन यहाँ हम सी के लिए बना देते हैं ये फाइनल स्टेट। आप यहाँ फाइनल स्टेट ना भी बनाओ ना स्टेप बाय स्टेप में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फाइनल स्टेट बाद में आप कहीं भूल ना जाओ कौन सी फाइनल बनेगी, इसलिए मैं ये बना रही हूँ ताकि जब आप कनेक्ट करो तो वो आपको क्लियर हो जाए कौन सी फाइनल। अब ए डॉट सी बनाना है, कनेक्शन किससे होगा, यूजिंग एप्सिलॉन। तो ये हो गया हमारा ए डॉट सी। सिर्फ बी का बनाना है तो ऑब्वियसली सिर्फ बी का हम बनाएंगे, तो सिंपल सा डायग्राम बन जाएगा। यहाँ से इनिशियल से हम कहाँ पहुँच रहे हैं, बी देने पर फाइनल पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए सी एंड सिर्फ बी का। अब हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप पे ए सी प्लस बी करना है, जैसे हमने ए प्लस बी किया था वैसे अब ए सी प्लस बी करना है। तो ए सी प्लस बी यानी कि कैसे किया था हमने, ए प्लस बी, ए और ए का बनाया था बी का बनाया था, उन दोनों को इनिशियल एप्सिलॉन के थ्रू कनेक्ट किया, फाइनल भी हमने एप्सिलॉन के थ्रू कनेक्ट किया। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, ए डॉट सी का मैं ऊपर यहाँ बना लेती हूँ, ये हो गया हमारा ए देन एप्सिलॉन एंड देन सी, ठीक है। और यहाँ मैं बना लेती हूँ हमारा सिर्फ बी देने पे हम यहाँ पहुँच रहे हैं। अब इन्हें हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है इनिशियल स्टेट से एप्सिलॉन मूव पे और फाइनल स्टेट पर भी एप्सिलॉन मूव से, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ए सी प्लस बी का डायग्राम बन गया। अब नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, ए स्टार, जो हमारे क्वेश्चन था उसमें अब क्या बचा है, ए स्टार, देन ए सी प्लस बी और ए स्टार को हमें मर्ज करना है। तो नेक्स्ट हम बनाते हैं हमारा ए स्टार के लिए, मैं ये एक बार हम ए स्टार बनाते हैं फिर हम इन दोनों को मर्ज करेंगे, तो मैं वो अगेन शो कर दूंगी आपको ए सी प्लस बी का। तो ए स्टार का तो हम ऑलरेडी जस्ट अभी इंट्रो में देख ही चुके हैं। ए स्टार क्या होगा हमारा, इनिशियली एप्सिलॉन देन ए देन एप्सिलॉन टू फाइनल स्टेट रिवर्स ऑफ एप्सिलॉन और यहाँ सिर्फ एप्सिलॉन देने से हम यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये हमारा हो गया ए स्टार का, और जो हमने प्रीवियस डायग्राम बनाया था वो किसका था, ए सी प्लस बी, और ये है हमारा ए स्टार का। अब हमें क्या करना है, इस डायग्राम को और इस डायग्राम को क्या करना है, मर्ज करना है। तो मैं इस तरह से रख लेती हूँ, ओके। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, बेसिकली क्या, ए सी प्लस बी डॉट ए स्टार ही तो है, तो अगले स्टेप पे हमारा क्या होगा, ए सी प्लस बी डॉट ए स्टार। तो ए डॉट बी का मैंने अभी जब बताया, जब हमने ए डॉट सी बनाया तो हमने क्या किया था, देखो ए डॉट सी बनाया था तो ए और सी के ऑटोमेटा को हमने एप्सिलॉन मूव से ही तो ऐड किया था। तो यहाँ भी क्या करना है, ए सी प्लस बी और ए स्टार के जो हमारे ऑटोमेटास बने हैं उनको हमें क्या करना है, सिर्फ एक एप्सिलॉन मूव से ही ऐड करना है। तो मैं थोड़े छोटा डायग्राम बनाऊंगी इस पर, क्योंकि इन दोनों को मर्ज करना है। तो हमारा जो ए सी प्लस बी का है डायग्राम वो क्या है, इनिशियल स्टेट एप्सिलॉन देने पे, ये वाला डायग्राम मैं भी ड्रॉ कर रही हूँ, ए इनपुट देन एप्सिलॉन देन सी, ये हो गया, और यहाँ एप्सिलॉन देने पे बी इनपुट देने पे यहाँ एंड देन एप्सिलॉन देने पे यहाँ पे। अब ये हमारा क्या है, फाइनल नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि उसके बाद हमें ए स्टार भी चाहिए, फॉलोड बाय ए स्टार है। अब ए स्टार के डायग्राम को कनेक्ट करना है मुझे, ए डॉट सी को जैसे कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया था, एप्सिलॉन यूज़ किया था, वैसे ही ए सी प्लस बी
एंड ए स्टार के डायग्राम को कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या है, एक एप्सिलॉन मूव की नीड पड़ेगी। ये हो गया, अब हमें ये वाला डायग्राम यहाँ एज इट इज पेस्ट करना है। तो एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन तो हमने कनेक्ट करने के लिए दिया, आप इस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन को मर्ज मत करना, ये हमने कनेक्ट करने के लिए दिया है और ये पूरा ए स्टार के लिए। तो अब जो हमारा आएगा डायग्राम वो होगा यहाँ पे एप्सिलॉन मूव, देन ए का मूव, सॉरी इट्स एन स्टेट, एंड देन एप्सिलॉन मूव, और ये हमारा फाइनल स्टेट। यहाँ से रिवर्स एप्सिलॉन मूव और ये एक एप्सिलॉन मूव। तो ये हमारा बनेगा कंप्लीट डायग्राम फॉर ए सी प्लस बी ए स्टार। ओके, ये हमारा डायग्राम है ए सी प्लस बी होल स्टार। तो एप्सिलॉन एन एफ ए हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सारी पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जो मैंने आपको बेसिक पॉसिबिलिटी बताई है ना, उनके अकॉर्डिंग बस आपको वो कनेक्शंस करने हैं। अब हमने एक एग्जांपल एप्सिलॉन एन एफ ए का किया था, अब मैं क्या करती हूँ एक एग्जांपल आपको शो कर देती हूँ बेसिक एन एफ ए कंस्ट्रक्शन का। एग्जाम में क्वेश्चन डी एफ ए के आते हैं इसलिए हम इन पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे, बट एज एन एग्जाम्पल अगर आप उसमें गेट क्लासेस की बजाय आप नॉर्मल कॉलेज के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ हो सकता है आपसे ये क्वेश्चंस पूछ ले जाए। अदरवाइज हो सकता है अगर उन्हें एग्जाम में चेंज करना हो, गेट के एग्जाम में कुछ चेंजेस करने हो, तो उस केस में हो सकता है कि वो करेंगे। तो आपको ये कुछ बेसिक आपको मेथडोलॉजीज याद करनी है, ए प्लस क्या होता है जो हमने अभी डिस्कस किए थे, ये आपको जस्ट डायग्राम्स याद नहीं करने बेसिकली, ये आपको समझने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको एप्सिलॉन एन एफ ए कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो ये पेजेस में साइड रख देती हूँ। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा एन एफ ए कंस्ट्रक्शन का। तो अब मैं क्या करूँगी, एक एन एफ ए कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं किस तरह से करते हैं। कंस्ट्रक्ट एन एफ ए, सिर्फ एन एफ ए लिखा है इसमें, बेसिक एन एफ ए यूज़ करना है। एन एफ ए फोर फॉलोविंग आर ई रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, इट्स कंस्ट्रक्ट। मैं एक एक्सप्रेशन ले लेती हूँ कुछ, ए प्लस बी का होल स्टार, देन ए बी स्टार ए, एंड देन ए प्लस बी का होल स्टार, ये ले लेते हैं एंड एट लास्ट बी। मतलब यहाँ से अगर आप नॉर्मली इस लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना चाहो तो यहाँ के ए और बी के कोई भी कॉम्बिनेशंस बने, इन बिटवीन आपको क्या मिलेगा, एक ए मिलेगा, फिर उसके बीच में हो सकता है बी की नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आएँ या नहीं भी आएँ, देन ए एक ए। यहाँ कंपल्सरी देखो क्या क्या है, जहाँ स्टार और क्लोजर नहीं लगाओ, अगर पॉजिटिव क्लोजर भी होता तब भी वो कंपल्सरी होता। ये स्टार है, इसको भी हम एक बार को एप्सिलॉन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ये ए कंपल्सरी है, ये वाला ए कंपल्सरी है और ये एंडिंग विद बी। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ है, एंड तो हमारा किससे होगा, बी से ही होगा, जो हमारा वो है जो भी स्ट्रिंग होगी वो बी से ही एंड होगी, या अगर हम ऑटोमेटा ड्रॉ करें तो वो किससे एंड होना चाहिए, बी से होना चाहिए। और बीच में क्या, ये ए और ये आने कंपल्सरी है, एनी नंबर ऑफ बीज आए ना आए कोई मतलब नहीं। तो वो चीज़ें जो आए या ना आए, जब मैंने आपको एन एफ ए कंस्ट्रक्शन बताए थे तो मैंने आपको कहा था जब हमारे पास किसी चीज़ की कंपलसेशन नहीं है, अगर वो आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो सारी चीज़ें हम किस में देते हैं, बेसिकली सेल्फ लूप में देते हैं। एन एफ ए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है उसमें, क्यों, क्योंकि हम एक ही इनपुट के लिए मल्टीपल ट्रांजिशन दे सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। मैं इसको आपको बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं क्या करती हूँ, नॉर्मली एक इनिशियल स्टेट लेती हूँ और इसको फाइनल स्टेट से कनेक्ट करके ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर देती हूँ। लेट मी यूज़ अ डिफरेंट पेन, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए बी स्टार ए। हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इनको तोड़ेंगे एक एक पार्ट में, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उनको स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे। एग्जाम में आपको डायरेक्टली ड्रॉ करना है इसको, लेकिन अगर आप कॉलेज के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपको वहाँ स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस ए बी स्टार को ब्रेक करती हूँ, इस ए बी स्टार को, और ये बी तो हमें पता है कि कंपलसरी है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा क्यू नॉट है, ये लेट से क्यू एफ है, मुझे भी नहीं पता इन बिटवीन कितने स्टेट्स बनेंगी इसलिए मैंने उसको क्यू एफ नेम दे दिया, या फिर आप पूरा डायग्राम बनने के बाद स्टेट्स के नेम लिखना। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस ए बी स्टार, इस ए बी स्टार और इस बी के लिए बना रही हूँ। ये ए बी स्टार ए हम एक बार बाद में देखेंगे, ए बी ए प्लस बी का होल स्टार मीन्स एनी नंबर ऑफ एज, एनी नंबर ऑफ बीज, ए के पहले भी आ जाए ए के बाद भी आ जाए, इट मीन्स हमें कोई उससे वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली सेल्फ लूप दे देंगे ए और बी का, ए प्लस बी का होल स्टार। बेसिकली क्या है, आप सेल्फ लूप दे दो, सारी पॉसिबिलिटीज विद एप्सिलॉन भी इंक्लूड हो जाएंगी। ये हो गया, मैंने एक बार ए बी स्टार को नहीं कुछ किया है, ए बी स्टार को हम एज इट इज ए बी स्टार ए को रख लेते हैं, देन ए प्लस बी का होल स्टार, अगेन सेम यही
एनी नंबर ऑफ एज आए, एनी नंबर ऑफ बीज आए, कंपल्सरी क्या है कि बी से ही एंड हो, तो ये हमने इतना बना दिया। अब हमें स्टेप में ये ब्रेक करना है, तो यहाँ ये ए कंपल्सरी, जैसे बी कंपल्सरी था तो बी के लिए हमने एक ट्रांजिशन दी, वैसे ये ए और ये ए कंपल्सरी, मतलब इन दोनों एज के लिए भी ट्रांजिशन आएंगी। तो अगले स्टेप पे मैं कंप्लीट डायग्राम बनाती हूँ, एनी नंबर ऑफ एज, एनी नंबर ऑफ बीज, ए प्लस बी का होल स्टार है, सारी पॉसिबिलिटीज़, देन ये ए कंपल्सरी है तो ए, उसके बाद ये बी स्टार है, बी स्टार मीन्स आ भी सकता है, क्यों, क्योंकि बी स्टार में क्या इंक्लूड होता है, एप्सिलॉन, हो सकता है ना भी है या एक बार दो बार कितनी बार है, इस तरह की कंडीशन है, अगेन हम क्या करेंगे उसको सेल्फ लूप में देंगे, क्यों, क्योंकि सेल्फ लूप में अगर पॉसिबिलिटी अगर वो अकर होता है तो भी एक्सेप्ट वहाँ से आ जाएगा, नहीं हो रहा है तो वो नेक्स्ट स्टेट पर डायरेक्टली मूव कर जाएगा। बी स्टार के बाद हमारे पास क्या है, ए, ए कंपल्सरी है, मैंने ए दे दिया, देन आगे तो हमने ड्रॉ कर ही लिया, एनी नंबर ऑफ एज आए, एनी नंबर ऑफ बीज आए, देन हमारे पास कंपल्सरी क्या है, बी, और हम कहाँ पहुँचेंगे, फाइनल स्टेट। अब हम यहाँ स्टेट्स के नेम दे देते हैं, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री। तो ये था हमारा गिवन एक्सप्रेशन के लिए एनएफए ड्रॉ करना। अभी हमने एप्सिलॉन एनएफए किया था, इसमें कहीं भी देखिए हमने एप्सिलॉन का यूज़ नहीं किया। जब एप्सिलॉन एनएफए ड्रॉ कर रहे हो ना, तो आप एक 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 के लिए इंडिविजुअल ड्रॉ करो, ए प्लस बी के लिए अलग से ड्रॉ करो, ए का अलग ड्रॉ करो, बी स्टार का अलग करो, ए का अलग करो, देन ए प्लस बी के होल स्टार यानी ए प्लस बी, देन उसके स्टार का अलग करो, देन बी का अलग से ड्रॉ करो, और फिर उन सबको डॉट के अकॉर्डिंग यानी ये कॉन्कैटेनेशन वाले मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग आपस में कनेक्ट कर दो। लेकिन जब हम एनएफए ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर कुछ नहीं करना, एक्सप्रेशन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते जाओ और उसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लो एनएफए। तो ये होता है हमारा एनएफए कंस्ट्रक्शन, हम बेसिकली कुछ एनएफए को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ये उसका तरीका है, ठीक है। अगर आपको एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं एनएफए का, ताकि एनएफए का क्लियर भी हो जाए, लेट्स से मैं थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ए प्लस बी का होल स्टार एज इट इज़ ले लेते हैं, बीच में ए ए प्लस बी बी देन ए प्लस बी का होल स्टार, कुछ इस तरह से एक है। ये किस तरह की लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, कितने भी एज एंड बीज आए, हो सकता है नहीं भी आए, यहाँ से भी एज एंड बीज आए, हो सकता है नहीं भी आए, किसी भी कॉम्बिनेशन में आए, लेकिन यहाँ से क्या कंपल्सरी है कि डबल ए और डबल बी प्लस सिंबल है, प्लस सिंबल मीन्स व्हाट, आइदर दिस और दिस, तो या तो डबल ए या करो या डबल बी या करो, उसके आगे पीछे आपके कितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ए के बाद ए और बी के बाद बी वाला आपका कंपल्सरी, यानी कि सब स्ट्रिंग एज डबल ए एंड सब स्ट्रिंग एज डबल बी का ही एनएफए बेसिकली, सब स्ट्रिंग ऑफ डबल ए और डबल बी का आपका ये डायग्राम है, आइदर डबल ए और डबल ई, दोनों के कंपल्सरी का नहीं है। तो अगर हम बेसिक एन एफ ए बनाएं सिर्फ ए एंड बीज के लिए, स्टेप बाय स्टेप अगर चलूं तो क्या है, इस पूरे को एक एक्सप्रेशन में लिखती हूँ, ए प्लस बी का होल स्टार ए ए प्लस बी बी ए प्लस बी का होल स्टार, और कहाँ पहुँच रही हूँ, फाइनल स्टेट पे, ए प्लस बी का होल स्टार, ए प्लस बी का होल स्टार अभी जस्ट हमने किया था, ए प्लस बी का होल स्टार किससे पहुंच रहा है, फाइनल स्टेट पे, तो फाइनल स्टेट पे पहुंच के एनी कॉम्बिनेशंस बने, यहाँ हम दे देते हैं एनी नंबर ऑफ एज एनी नंबर ऑफ बीज फॉर ए प्लस बी का होल स्टार, बीच में मैं ये वाला एक्सप्रेशन लिख देती हूँ डबल ए प्लस डबल बी, एंड देन फाइनल स्टेट पे पहुंच के एनी नंबर ऑफ एज एंड एनी नंबर ऑफ बीज अराइव। ओके, अब इसको ब्रेक करना है, ए के बाद ए आना कंपल्सरी है, बी के बाद बी आना कंपल्सरी है, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी हमारी, ये तो हमारा रहेगा ही एनी नंबर ऑफ एज एनी नंबर ऑफ बीज बन गए। उसके बाद ए के बाद ए आना ही कंपल्सरी है, और यहाँ से बी के बाद बी आना कंपल्सरी है, देन हम किस पर पहुँचेंगे, फाइनल स्टेट, और उसके बाद फिर एज आए बीज आए डजंट मैटर। तो जो हमारा एनएफए बनेगा इसके लिए वो है इस तरह का। अगर वो क्वेश्चन में आपसे एनएफए ना बोल के डीएफए बताएं कि इसका डीएफए ड्रॉ करो, तो यहाँ पे अगर मैं इसका डीएफए ड्रॉ करना चाहूँ तो हमें क्या करना है, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, कभी कभी आपको डायरेक्टली डीएफए ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, वैसे तो हम नेक्स्ट वीडियो में डीएफए कंस्ट्रक्शन देखेंगे, पर इसका भी अगर डीएफए वो बोलें तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये वाले ट्रांजिशंस हटा दो सिंपली, क्यों, क्योंकि यहाँ कंपल्सरी क्या है, डीएफए के केस में हम कंपल्सरी चीज़ को देखते हैं कि कंपल्सरी क्या हो रहा है आपका, तो यहाँ पे हमारा कंपल्सरी क्या है,
जो कंपलसरी है हम उतना पार्ट रखेंगे, बाकी को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कंपलसेशन है कि डबल ए की अक्रेंस होनी चाहिए। वैसे तो मैंने ये डीएफए आपको ऑलरेडी ड्रॉ करवाया हुआ है मेरे डीएफए वाली वीडियो में, डबल ए एंड डबल बी वाला, तो आप वहाँ से भी प्रेफर कर सकते हैं। ये सिर्फ इतना हो जाएगा हमारा जो डायग्राम है, यहाँ एनी नंबर ऑफ एज एंड एनी नंबर ऑफ बीज आए। अब ए के बीच में अगर बी अकर होता है तो हमें क्या चाहिए, बी के बाद बी की अक्रेंसी तो चाहिए, तो क्या हम डेड स्टेट पे जाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे उसे यहाँ पे ट्रांसमिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमें बी मिला हमें उसका सेकंड बी ही तो चाहिए। कंपलसरी क्या है, बी के बाद बी होना चाहिए, ए के बाद ए आना चाहिए। मतलब ए के बाद ए की अक्रेंस और बी के बाद बी की अक्रेंस है, उसके बाद एनी नंबर ऑफ एज एंड बीज आए। सिमिलरली अगर बी के बीच में ए आता है तो मैं यहाँ सेंड कर दूंगी इसको, ताकि उसके बाद हमें नेक्स्ट ए यहाँ से मिल जाए। तो जो डीएफए बनेगा हमारा इस गिवन एक्सप्रेशन के लिए, वो कुछ इस तरह का डीएफए बनेगा। नॉर्मली क्वेश्चन अगर आपको एनएफए ड्रॉ करना है तो आपका ये वाला एनएफए है। तो इस तरह के कुछ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आपको हो सकता है वो एप्सिलॉन एनएफए या एनएफए ड्रॉ करने के लिए बोलें। तो ये तरीका होता है कि हम एक्सप्रेशन को किस तरह से ड्रॉ करेंगे उनके एप्सिलॉन एनएफए एंड एनएफए। नेक्स्ट वीडियो में हम डीएफए के कंस्ट्रक्शन देखेंगे, क्यों? क्योंकि डीएफए में हमें थोड़े अलग लॉजिक्स भी लगाने होते हैं, कुछ अदर कंस्ट्रेंट्स भी देने होते हैं। अगर उसमें बीच में हो सकता है हमें डेड स्टेट अप्लाई करना पड़ जाए या अदर कंडीशन, जैसे कि यहाँ हमें ए और बी का था, लेकिन हमें ये अलग एक्स्ट्रा स्टेट क्यों लगाने पड़े कि ए के बीच में अगर बी आ जाए तो, और बी के बीच में ए आ जाए तो। और डीएफए में क्या होता है, हर स्टेट पर हर इनपुट के लिए ट्रांजिशन होती ही है। यहाँ पर हमने बी के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं दी इस स्टेट पर, सिमिलरली इस स्टेट पर हमने ए के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं दी। यहाँ पे ए के लिए हमारे पास दो ट्रांजिशन है, बी के लिए भी हमारे पास दो ट्रांजिशन है, तो वो क्या है, एनएफए में वैलिड है, लेकिन वो डीएफए में वैलिड नहीं है। डीएफए में हर स्टेट पे हर इनपुट के लिए एक्जैक्टली एक ट्रांजिशन होती है, तो हमें डीएफए में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं उसको प्रॉपर डीएफए जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी, कंस्ट्रक्शन, कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन, देन एप्सिलॉन एनएफए एंड एनएफए हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरा वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको ये डाउट है, या आपको कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा हो तो आप मुझसे वो क्वेश्चन भी वहाँ पर पोस्ट करके पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएफए कंस्ट्रक्शन रेगुलर एक्सप्रेशन से, देन फर्दर हम डीएफए से रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्जन भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि गेट के एग्जाम में आपको आइदर रेगुलर एक्सप्रेशन देके वो आपसे फाइनाइट ऑटोमेटा पूछ लें, या फाइनाइट ऑटोमेटा देख के उसका इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन भी पूछ लेते हैं। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है, और इन दोनों क्वेश्चन के बहुत चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपको ये क्वेश्चन मिलने के। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपका इसका मिलेगा ही मिलेगा। सो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम वो पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।